हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस मेंटर। बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया इतने सस्ते प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पाता जितने सस्ते प्रोडक्ट चाइना बना पाता है। सो देखिए, अगर चाइना और इंडिया को कंपेयर करता हूं तो इंडिया के अंदर आपको मेड इन इंडिया देखने बहुत कम मिलेगा, लेकिन मेड इन चाइना देखना बड़ा आसानी से दिख जाएगा। चाहे फिर वो एक छोटा सा पेन हो, पेंसिल हो, स्केच पेन हो, मार्कर पेन हो, डिजिटल बोर्ड का पेन हो या डिजिटल बोर्ड इटसेल्फ हो, चाहे वो शूज क्यों ना हो, चाहे वो फैब्रिक्स क्यों ना हो, बेल्ट क्यों ना हो, वॉच क्यों ना हो, ग्लासेस क्यों ना हो, चाहे आपका हाथ का सेलफोन क्यों ना हो, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक गैजेट, सीमेंट या फिर कोई मशीन हो, टूल्स हो, ये सारी चीजें चाइनीज मार्केट में बनती है और चाइनीज मार्केट इजीली उनको भारत के अंदर छोड़ देता है। भारत चाइना से लगभग 700 करोड़ का बिजनेस करता है, मतलब भारत इंपोर्ट करता है चाइना से 700 करोड़ के प्रोडक्ट। चाहे फिर उसके अंदर दिवाली की लाइट क्यों ना हो, दिवाली के पटाखे क्यों ना हो, होली के कलर क्यों ना हो, सक्रांत में यूज किया जाने वाला वो मंजरी क्यों ना हो, ये सारे प्रोडक्ट हम यूज करते हैं चाइनीज, इसीलिए 700 करोड़ का बिजनेस हर साल चाइना को दे पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना के अंदर भारत सिर्फ 100 करोड़ के ऐसे प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट कर पाता है। मतलब चाइना के अंदर मेड इन चाइना इजीली मिल जाएगा, लेकिन मेड इन इंडिया बड़ा रेयर देखने मिलेगा। दोनों कंट्री में ये 600 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट क्यों है? क्योंकि चाइनीज इंडिविजुअल उस प्रोडक्ट को इतना सस्ता बना देते हैं कि इंडियन मार्केट उसे खरीदने के लिए आसानी से खरीद पाता है, क्योंकि इंडियन मार्केट 60% मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। इसीलिए इंडिया में हम इजीली चाइनीज प्रोडक्ट अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन चाइना के अंदर क्योंकि खुद वो चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए इंडियन प्रोडक्ट को बेचने का कोई रीजन नहीं है। सो इस वीडियो में हम वो चार रीजन डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से चाइना इतने सस्ते प्रोडक्ट बना पाता है। देखिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, सिर्फ चार पॉइंट बताऊंगा, बड़ा छोटा सा वीडियो है, आगे पीछे करके आराम से समझिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव और काफी एजुकेशनल वीडियो होगा। पॉइंट नंबर वन, देखिए हम सबको क्या लगता है कि चाइना सस्ते प्रोडक्ट बना पाता है क्योंकि वहां पे लेबर बड़ी सस्ती है। देखिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ लेबर की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है हमें रॉ मटेरियल की, प्राइमरी इंडस्ट्री की, सेकेंडरी इंडस्ट्री की, मशीन्स की, टूल्स की, इक्विपमेंट्स की, वाटर सप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी पावर की, ऑयल की, ग्रीस की, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इन सारी चीजों को मिला के ऑन एन एवरेज कॉस्ट सस्ती होती तब कोई प्रोडक्ट सस्ता बन पाता है, सिर्फ लेबर की बात नहीं है। अगर बात सिर्फ लेबर की होती तो वियतनाम और श्रीलंका में चाइना से भी 30% कम कॉस्ट में इजीली लेबर मिल जाती है। लेकिन क्या हम वियतनाम और श्रीलंका से इतना डील करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां की लेबर में वो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, स्पीड, एक्यूरेसी नहीं है, इसीलिए शायद वियतनाम और श्रीलंका से हम डील नहीं कर पाते, हम चाइना से डील करते हैं। क्योंकि चाइनीज इंडिविजुअल इतने कम टाइम पीरियड में इतनी एफिशिएंसी, इतनी इफेक्टिवनेस, इतनी एक्यूरेसी के साथ इतने क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बना देगा। हाँ, क्वालिटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस कम कॉस्ट के अंदर उतनी क्वालिटी मिलना भी बड़ी बात है, इसलिए चाइनीज प्रोडक्ट पे शायद इंडियन मार्केट काफी हद तक डिपेंड है। सो ये तो हुई एक बात उनकी लेबर की, अब उनकी लेबर इतनी इफेक्टिव, इतनी एफिशिएंट, इतनी क्वालिटी वाली क्यों है? क्योंकि इसका पूरा क्रेडिट जाता है उनके एजुकेशन सिस्टम को। देखिए चाइना के एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो पहले 9 साल की एजुकेशन तो चाइनीज को, हर एक चाइनीज इंडिविजुअल को बड़ी आसानी से फ्री में मिल जाती है, और उसके बाद की एजुकेशन भी पूरी डिजिटल, पूरी ऑनलाइन, इतनी ह्यूमनॉइड एजुकेशन वो प्रोवाइड कराते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर काफी अच्छी क्वालिटी आ जाती है, अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को, अपनी कंट्री को बड़े इजीली, बड़े आसानी से एक्सीलरेट करके आगे लेके चले जाते हैं। बात करता हूं दूसरे रीजन की, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। देखिए अगर चाइना की बात करूं तो 2017 के अंदर पूरे विश्व के अंदर चाइना सिर्फ एक ऐसा कंट्री था जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में नंबर वन पे बैठा था। और अगर बात करूं पिछले 20 सालों की, मतलब 1990 से लेकर के 2010 तक, इन 20 सालों का अगर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का एक एवरेज लगाऊं, तो इन 20 सालों में एवरेज एनुअल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में चाइना का परसेंट था 2.8, और 1990 से लेकर के 2010 के बीच में जो नंबर वन सुपर पावर थी वो थी अमेरिका। अमेरिका का उस टाइम पीरियड में एवरेज एनुअल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ आया था 0.5% का, और उसी टाइम पीरियड में जो दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री थी जापान, उसका एवरेज एनुअल ग्रोथ था 0.3% का। देखिए जापानीज इंडिविजुअल से काफी सारे कॉन्सेप्ट हमारे बिजनेस में सीखते हैं, जैसे कि 6S कॉन्सेप्ट हुआ, 5S कॉन्सेप्ट हुआ, सिग्मा कॉन्सेप्ट हुआ, इकिगाई कॉन्सेप्ट हुआ, बड़े सारे कॉन्सेप्ट हमें सीखे हैं। जापानीज इंडिविजुअल मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट के अंदर एक सिंगल एरर भी नहीं करते, लेकिन उनका एवरेज एनुअल ग्रोथ भी 0.3 था। अमेरिका सुपर पावर है, उसका एवरेज एनुअल ग्रोथ था 0.5 और चाइना का था 2.8। देखिए एक फैक्ट की बात बताता हूं, 1901 से लेकर के 2001 के बीच में अमेरिका ने जितना टोटल सीमेंट यूज किया था, चाइना ने उन 20 सालों के अंदर अपने यहां यूज कर लिया था। इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं कि चाइना की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और उनकी प्रोडक्टिविटी स्पीड कितनी ज्यादा है। देखिए बात करते हैं तीसरे रीजन की, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कि चाइना इतना सस्ता बना कैसे पा रहा है। देखिए कॉम्पिटिटिव वो प्राइसिंग है जो आप अपने कॉम्पिटिटर से बड़ा सस्ता बेच पाते हो। तो सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि चाइना इतना सस्ता बना कैसे रहा है। देखिए एक तो लेबर उनके यहां खुद की अवेलेबल है, बड़ी इफेक्टिव, एफिशिएंट, स्पीड वाली लेबर है, क्वालिटी वाली एजुकेशन है, उनका एजुकेशन सिस्टम उन्हें ह्यूमनॉइड एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है,
ताकि उनकी इंडिविजुअल चाइनीज इंडिविजुअल वर्ल्ड में काफी आगे निकल पाए। ये तो वो एक रीजन। दूसरा सबसे बड़ा मेन हिडर इनडायरेक्ट रीजन ये है कि चाइना कभी भी किसी भी इनोवेटिव क्रिएटिव और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले प्रोडक्ट में पैसा लगाता ही नहीं है। चाइनीज इंडिविजुअल कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगाएंगे नहीं। वो वेट करेंगे कि पूरी दुनिया में किसी कंट्री के अंदर किसी कंपनी ने रिसर्च किया और उसकी रिसर्च वाले प्रोडक्ट को खरीदो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए भारत की बजाज कंपनी ने पल्सर गाड़ी बनाई और उसके अंदर एक इंजन लगाया डीटीएसआई इंजन। अब बजाज कंपनी को ऐसा इंजन बनाने के लिए काफी सारी इनोवेशन करनी पड़ी, रिसर्च करनी पड़ी, काफी सारी क्रिएटिविटी लगानी पड़ी और 2 साल का टाइम लगा के उन्होंने एक इंजन बनाया। उन्होंने इस इंजन को लगाया, काफी एक्सेलरेशन लेकर आया, थोड़ा बहुत एवरेज एनुअल पॉइंट को कम किया और फिर उन्होंने प्रोडक्ट बना के बेचा। चाइनीज इंडिविजुअल क्या करेंगे, इस बाइक को खरीदेंगे, आराम से इसे खोलेंगे, खोल के इंजन देख के समझ जाएंगे कि डीटीएसआई इंजन इतनी मेहनत करके बजाज कंपनी ने कैसे बनाया। बस अब रहेगा क्या, लेबर उनके पास है, रॉ मटेरियल उनके पास है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस स्पीड उनके पास है, इसीलिए उनका कोई खर्चा उनके इनोवेशन पे क्रिएटिविटी पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, इसीलिए उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है। वो सारा पैसा लगा देंगे सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि चाइनीज इंडिविजुअल किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, खोलते हैं, आराम से उसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं और उसको सस्ता बना के बेच पाते हैं। इसीलिए वो आराम से इकोनॉमीज ऑफ स्केल और सुपर इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर पाते हैं। मतलब वो इतना सस्ता बना पाते हैं इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कि उसे आसानी से किसी भी कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेच पाते हैं। और यही मेरा चौथा रीजन है कि वो किसी कंट्री में आसानी से अपने प्रोडक्ट में डंपिंग स्ट्रेटजी को यूज करके आराम से अपने प्रोडक्ट को किसी भी कंट्री में भेज पाते हैं। अभी डंपिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, देखिए चाइनीज इंडिविजुअल चाइनीज प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि कोई इनोवेटिव तो कर नहीं रहे, किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं, खोलते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं, नकली प्रोडक्ट बनाते हैं और आराम से बेच पाते हैं क्योंकि उन्हें वो सस्ता पड़ रहा है। इसीलिए वो उस कंट्री के अंदर उस प्रोडक्ट को उस मार्केट की एग्जिस्टिंग एमआरपी से भी सस्ता करके बेच पाते हैं। इसीलिए वो प्रोडक्ट आसानी से उस मार्केट में बिक जाता है क्योंकि अब सस्ता प्रोडक्ट है इसलिए उसकी क्वालिटी गारंटी वारंटी का कोई अश्योरेंस नहीं है। इसलिए जो भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसमें कोई गारंटी का अश्योरेंस नहीं है, लेकिन सस्ता है वो अफोर्ड कर पा रहा है इसलिए वो खरीद लेता है। So, देखिए ये थे वो चार रीजन जिनकी वजह से चाइना सस्ते प्रोडक्ट बना पाता और इंडिया सस्ते प्रोडक्ट नहीं बना पाता। क्योंकि इंडिया के अंदर देखिए ना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ना लेबर अवेलेबल है, ना सस्ती लेबर अवेलेबल है, और सस्ती लेबर भी नहीं है तो उनमें इतनी क्वालिटी नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, ईपी स्पीड नहीं है, उनको इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली, इतनी अच्छी स्किल्स नहीं मिली। इसी वजह से इंडियन इंडिविजुअल की जो लेबर है वो इतना सस्ता प्रोडक्ट नहीं बना पाती और हमारा प्रोडक्ट बेसिक कॉस्ट पे ज्यादा है एज कंपेयर टू चाइनीज प्रोडक्ट। इसीलिए चाइना के मार्केट के अंदर इंडियन प्रोडक्ट नहीं बिकते और मार्केट के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट बड़ी आसानी से बिक पाते हैं। देखिए उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इंफॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर आएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो है काफी लोगों को मिलनी चाहिए, नॉलेज उनकी भी बढ़नी चाहिए, घर बैठे सीखने का मौका सभी को मिलना चाहिए। अगर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए केस स्टडी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।